तो शैलेश की रिपोर्ट आपने देखी, वहां पर राजेश्वर सिंह से उन्होंने बातचीत की है। तमाम रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं अलग अलग दलों की तरफ से, और जिस दल की तरफ से रिएक्शन आप सुन रहे हैं कि जीत का दावा भी किया जा रहा है। लखनऊ की लड़ाई भी अपने आप में दिलचस्प प्राची, और इसीलिए जो जीत का दावा किया जा रहा है उसमें कितना दम है इसका भी इंतजार करना होगा। बिल्कुल, देखिए इंतजार करना होगा। लखनऊ उन्नाव सीट है, तमाम वीवीआईपी प्रत्याशी वहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं और उनको भी हम आपको सुनवा रहे हैं। बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। मुरादाबाद बिजनौर सीट पर मतदान हो रहा है। मुरादाबाद शहर सीट से भाजपा विधायक रितेश गुप्ता भी वोट करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने दावा किया कि भाजपा प्रत्याशी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करेगा। मुरादाबाद शहर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रितेश गुप्ता ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि मुरादाबाद नगर निगम के जल विभाग में 16 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, बिना कार्य के भुगतान कर दिया गया। क्या पूरा मामला है खुद विधायक जी से हम जान लेते हैं। विधायक जी, क्या पूरा मामला है और कैसे आपके संज्ञान में आया? कल कुछ सभासद, कुछ पार्षद नगर निगम के मुझसे आके मिले और कुछ कागज उनके पास थे। उन्होंने आके मेरे को बताया कि 16 करोड़ के टेंडर निकाले गए थे और उनके वार्ड के भी उसमें कुछ टेंडर लगाए गए थे, लेकिन उनके वार्ड में काम नहीं हुए और उसका भुगतान कर दिया गया। तो मेरे संज्ञान में ये प्रकरण आया तो बहुत गंभीर मामला, गंभीर आरोप पार्षदों के द्वारा ये लगाए गए थे। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, नगर विकास मंत्री जी को, मुरादाबाद कमिश्नर को लिखित में एक शिकायत भेजी है इसकी जाँच, लेकिन चूँकि पुराना प्रकरण था और एक बार इसकी जाँच करके इसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया था, लेकिन पुनः कुछ पार्षदों के द्वारा आपत्ति उस पर जताई गई है। तो मैंने शिकायत की है, उसकी जांच शुरू हो गई। 2018 का शायद ये मामला बताया जा रहा है, 1920 का मामला है, 1920 का मामला है। भाजपा की जब भी सरकार थी, मेयर भी भाजपा के थे, तो ऐसे में जो घोटाला है कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पर और भाजपा पर एक दाग लगा रहा है, तो कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप? भाजपा की सरकार ने हमेशा पारदर्शिता के साथ काम किया है और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस माननीय मुख्यमंत्री का रहा है, तो इसमें जिसकी भी मिली भगत रहेगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कौन लोग हैं जिन्होंने घोटाला किया है? ये जांच का विषय है, जांच इसमें करने का आदेश माननीय कमिश्नर साहब की तरफ से किया गया है और नगर आयुक्त साहब इस पर पुनः जाँच करवा रहे हैं, तो शीघ्र ही सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उनका कहना है कि लगभग 16 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है नगर निगम मुरादाबाद में और इसकी जांच जो है वो होनी चाहिए, और इस तरह की चिट्ठी उन्होंने मुख्यमंत्री को दी।